हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 14 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में जो आंसर है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर आप मैच है वो कर सकते हो बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन है वो है लैंगून और एस्चुरिन के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, पूछा गया है यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट गलत है वो बताना है कि इनमें से। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि एस्चुरिन, एस्चुरिन को बेसिकली मुहाने के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, तो एस्चुरिन में पानी तेज और मजबूती से बहता है जबकि लैंगून में पानी उथला हुआ होता है और धीरे धीरे बहता है। सेकंड स्टेटमेंट यह है कि लैंगून आमतौर पर एस्चुरिन मुहाने से गहरे होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट यह है कि समुद्री सतहों में गिरावट के चलते लैंगून का निर्माण होता है जबकि समुद्री सतह के स्तर में वृद्धि होने के कारण एस्चुरिन का निर्माण है वो होता है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पे, सॉरी चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, हम बात करें, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। लैंगून है वो बेसिकली गहरे, यहाँ पे क्या दिया हुआ कि लैंगून आमतौर पर एस्चुरी से गहरे होते हैं। लैंगून एक्चुअली उथले हुए होते हैं और एस्चुरी जो वो ज्यादा गहरी होती है। तो हम बात करें, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही नहीं है, हमें बेसिकली पूछा गया, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF है वो किसको फाइनेंशियल एड है वो देती है या फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाती है। पहला ऑप्शन है कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC। तीसरा ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पेस्टिड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक पोल्यूएंट की बात यहाँ पे की गई है। अब हमें बताना है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में से किसको फंड है वो देता है। तो देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो हम देखते हैं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी तो बनाया कब गया था। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को बेसिकली बनाया गया था 1992 में, 1992 में जो रियो अर्थ सबमिट हुआ था उसके तहत। और इसका मेन मोटो ये था कि भाई एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम से निपटना है तो फंड तो चाहिएगा पैसा, और वो पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की हेल्प से। तो बेसिकली ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है वो, हम यहाँ बात करें तो 5 कन्वेंशन को पैसा, या 5 ऐसी सेक्टर्स हैं जिनको पैसा देता है। एक तो देता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। CBDD को फंडिंग देता है, इसके साथ UNFCCC को फंडिंग देता है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पेस्ट एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, तो ये भी हमें ध्यान रखना कि POPs को भी देता है। इसी के साथ मीनामाटा कन्वेंशन और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि बेसिकली इन 5 को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा फंडिंग दी जाती है, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। तो हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंगेज टीबी, जो प्रोग्राम चलाया गया है, इनिशिएटिव चलाया गया है, वो किस टीबी को निपटने के लिए चलाया गया है, वो किसके द्वारा चलाया गया है। तो देखो, हम एक चीज थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, यूरोपियन यूनियन है वो तो आप एक तरीके से आपको पता है कि पॉलिटिशियन इकोनॉमिकल ग्रुप है, तो वो तो शायद में भी नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम देख सकते हैं, हमें कंफ्यूज हो सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी के साथ ही यहाँ पे गेट्स फाउंडेशन की बात की गई है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के द्वारा टीबी से निपटने के लिए इंगेज टीबी प्रोग्राम है वो चलाया गया है। नेक्स्ट जो आर्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ऑयल स्पिल के बारे में, यानी कि समुद्र में जो ऑयल स्पिल फैला हो जाता है तेल का सतह पे, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया और हमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, मतलब जो स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने कि इससे एल्गल ब्लूम है वो आ जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इससे वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि एयर क्वालिटी को भी नुकसान है वो पहुंचाता है ऑयल स्पिल। अब आप सोचिए कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखो, हम यहाँ पे बात करते हैं ऑयल स्पिल के बारे में। एल्गी ब्लूम की बात करें तो वो तो देखो यूट्रिफिकेशन से होता है, उसमें क्या होता है कि पानी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो तो इससे कोई मेच नहीं खाएगा। तो मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमें देखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ दे रखा है कि भाई एल्गी ब्लूम तो कोई लगाना नहीं होगा। इसके साथ ही देखो, अगर पानी की सतह पे तेल फैलता है तो एक तो पानी का संपर्क है वो ऑक्सीजन से, हवा से कट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिससे समुद्री सतह के जो अंदर जानवर रह रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। तो मतलब पानी की सतह के अंदर ऑक्सीजन कम होने वाली है।
इसके साथ ही अगर पानी की सतह के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है और ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट या जो क्रूड ऑयल जो भी फैला हुआ है सरफेस के ऊपर, तो उससे एयर क्वालिटी को भी तो इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें खतरनाक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं तो वो कहीं ना कहीं काफी जो जहरीली गैस है वो छोड़ते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बात करें तो इसने सही स्टेटमेंट तो हम देखें तो देखो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड भी सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ये ध्यान में रखना है, किसने गलत पूछा तो गलत मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है वो हो जाता है। नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन के बारे में हमने देखो काफी बार डिस्कस वैसे किया भी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जस्टिस राधाकृष्णन कमेटी। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जस्टिस राधाकृष्णन कमेटी है वो किससे एसोसिएट है। सेकेंड क्वेश्चन है वो है बेसिक के बारे में, कि आजकल न्यूज में आपने एक वर्ड देखा होगा बेसिक, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है वो आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज है वो बेसिक के मेंबर है। तो देखो बेसिक में आपको मैं बता दूं कि बी ए का तो मतलब यहाँ पे ब्राजील है, एस का मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, ना कि साउथ कोरिया। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि साउथ अफ्रीका, और एस का एस तो फिर साउथ अफ्रीका हो गया, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना। तो इसका मतलब इसने गलत पूछा तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। राधा कृष्णन कमेटी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि जस्टिस राधा कृष्णन कमेटी किस लिए आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिकली अपेक्स अपेक के बारे में, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन या फिर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि यह 21 प्रशांत या एशिया जो पैसिफिक कंट्रीज हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ग्लोबल फोरम एक मंच है, जो कि पूरे एशिया प्रशांत के क्षेत्र में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को या मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि भारत ईपीसी का मेंबर नहीं है पिक का। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बात करें हम अपेक की, देखो इसमें 21 कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशियन के जिनका बॉर्डर ट्रेड है वो बेसिकली होता है, और एशिया के क्षेत्र में एशिया पैसिफिक वाला जो एरिया है इसमें फ्री ट्रेड को बढ़ाने के लिए बेसिकली एग्रीमेंट हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है, ना कि जापान में है। तीसरा यहाँ हम तीसरा पॉइंट इसका देखें तो देखो एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में जो इंडिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है एक दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंसी, इसको बढ़ाने के लिए इसके साथ ही आपस में लिंक है कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली काम है वो कर रहा है। और एक अहम बात क्या है कि इसमें अगर किसी भी कंट्री को शामिल हो रहा है तो उसको कंट्री की मान्यता की जरूरत नहीं है, इसमें कोई इकोनॉमी है वो पार्टिसिपेट करती है। तो ये ध्यान रखना कि ताइवान को भी इसमें मेंबर बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। तो बेसिकली आपको पता है ताइवान है उसको चाइना का एक पार्ट है वो माना जाता है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि भारत है वो अपेक का मेंबर नहीं है। ये फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो बेसिकली ये क्वेश्चन थे, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि MHRD मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम उनमें MHRD के द्वारा चलाया गया है। पहला ऑप्शन है LEAP, दूसरा है APRIT, तीसरा है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। तो देखो हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ HRD, इसके लास्ट मीटिंग है करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि तीनों प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा ही चला गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट की बात की है तो ऑल ऑफ अबो। तो ये थी आज की माई डिस्कशन, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।